रनआउट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूं पूंजीवाद उद्योगवाद में उपभोक्ताओं को कैसे गुमराह किया जाता है और जो उपभोक्ता शब्द के जाल में फंस जाते हैं उन्हें उनके मूल्य की जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। आपने देखा होगा कई बार आप जैसे फूड सप्लीमेंट्री के रूप में खरीदते हैं, जैसे पापड़ हेडिंग दिया होता है मूंग के स्पेशल पापड़, पर उसके अंदर मूंग कितने हैं या है नहीं है इसमें व्यापारी आपको भ्रमित कर देता है। आप लेबल पढ़ते हैं कि मूंग के स्पेशल पापड़ आप खरीद रहे हैं, पर जो जानता है उसके स्वाद कैसे होते हैं उन्हें तो पता चल जाएगा, पर आम उपभोक्ता को इसके बारे में पता नहीं चलता है। वो आज मैं आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू बता रहा हूं। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूं कि मूंग स्पेशल पापड़ जो दुकानदार आपको बताता है पर उसके अंदर मॉडर्न साइंस की भाषा लिखी हुई होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू। और न्यूट्रिटिव वैल्यू आप पढ़ लेंगे, काफी लोग पढ़ते नहीं है, और उसके अंदर क्या क्या जो सामग्री मिश्रित दी गई है वो नीचे लिखी हुई होती है, उसको पढ़ पाना सबके बस का काम नहीं होता। तो मैं आपको आज बता रहा हूं इसके अंदर आप देखिए ये न्यूट्रिशन फैक्ट जो दिया हुआ है, इसके अंदर न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन पर 100 ग्राम अप्रोक्सीमेट है, मतलब 100% नहीं है, सिर्फ एक अनुमानित है। अब इसकी जांच कौन करेगा पता नहीं, पर इसके ऊपर लिखा हुआ है एनर्जी इसके अंदर 322.9 किलो कैलोरी, टोटल फैट्स 2.3 ग्राम, प्रोटीन 17.8 ग्राम, टोटल कार्बोहाइड्रेट 57.75 ग्राम, शुगर 2.28 यानी 2.28 ग्राम, सैचुरेट फैट 1.05 ग्राम और ट्रांस फैट 0.00 ग्राम। अब इसके अंदर जो दिया है छोटा सा एक तीर लगा के दे दिया है, टोटल सैचुरेट फैट कंटेंट नॉट मोर देन 1.5% बाई वेट, टोटल ट्रांस फैट कंटेंट नॉट मोर देन 0% बाई वेट। शायद ये हर किसी को पल्ले पड़ने वाला शब्द नहीं है, जबकि सैचुरेट फैट हृदय रोगी के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। और इंग्रेडिएंट इसके अंदर दिया है ब्लैक ग्राम पल्स फ्लोर, ग्रीन ग्राम पल्स फ्लोर, टेपेरी बीन्स फ्लोर, बेरिला सब्जी खार, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ब्लैक पीपर, वीट फ्लोर, अब अंदाज लगा दीजिए, और असाफाटिया मिक्स स्पाइस एडिबल वेजिटेबल ऑयल, मतलब इसके अंदर जैसे वेजिटेबल ऑयल लिखा है उसमें कॉटन सीड या पमोलिव ऑयल। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर दिया था मूंग स्पेशल छोटा पापड़, पर इसके अंदर क्या दिया, ब्लैक ग्राम पल्सेस यानी काला चना छोटा सा आता है, उसके बारे में आम आदमी को पता नहीं चने की वैरायटी कितनी है। काबुली चने होते हैं, सिंपल चने होते हैं और छोटे काले चने जो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, पर मुनाफाखोरी के चक्कर में ये डाल दिया जाता है, नाम दिया जाता है मूंग का। और इसके अंदर जैसे ग्रीन ग्राम है तो मूंग मान लिया गया, पर कितना इसकी क्वांटिटी कितनी वो नहीं बताई गई है। और टेपारी बीन्स भारत में नहीं, ये बाहर में होने वाली एक फसल है, पर उसके बारे में बता दिया गया है, तो आप अंदाज लगा दीजिए इसके अंदर ब्लैक पेपर तो मान लिया गया, वीट फ्लोर गेहूं के आटे की कहां जरूरत पड़ गई, अर्थात मुनाफाखोरी में व्यक्ति ठगा जाता है। इस प्रकार से उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं नाम क्या दिया हुआ है। स्वाद हो सकता है आपको पसंद हो या ना हो, पर इसके अंदर जैसे कॉम्प्लेक्स अगर प्रोटीन आएगा तो हो सकता है किडनी के रोगी के लिए घातक भी हो सकता है। इस हिसाब से आप कोई भी काम करते हैं उसके संबंधित देखना जरूरी है, यानी उपभोक्ता को जानना जरूरी है कि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना परसेंट लाभ देगा और इसके साइड इफेक्ट तो मुझे कहीं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सबके लिए नहीं होता है। चना खाना आम आदमी के लिए कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, पर किडनी का रोगी है,
गुर्दा का रोगी है उनके लिए तो दुखदायी हो सकता है ना। इस प्रकार से अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो टिप्पणी का जवाब दूंगा, बाकी टिप्पणी व्हाट्सएप के नंबर जो दिखते हैं उसके ऊपर एक सवाल का जवाब दे सकता हूं, न कि लगातार चैटिंग कर सकता हूं। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।